वेलकम टू रेनसाइक ऑनलाइन लर्निंग। माय नेम इज जतिन फ्रॉम एनआईटी जे। तो ये हमारे चैप्टर केमिकल इक्वेशन का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई इट शुड बी बैलेंस्ड। तो हमें बताना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग क्या होती है और उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमें एटम्स या जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड, उनको हमें इक्वेट करना होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम इस टाइप से लिखेंगे। सॉल्यूशन ए पार्ट का क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट हो गए। तो ये जरूरी, व्हाई इट शुड बी बैलेंस्ड, अब इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब ये देखेंगे। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। अब हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने हमारे पार्ट टू में भी देखा था, ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये अप्लाई होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, उसी आंसर को कंटिन्यू करते हुए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि जो मैटर है, हम ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट साइड मास है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट साइड मास होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट बी, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो पहले दे रखा है इसमें फॉस्फोरस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अब फॉस्फोरस जब क्लोरीन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो हमें क्या देता है, पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, P4 सॉलिड। फॉस्फोरस स्टेबल इस फॉर्म में होता है, जबकि क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होता है, ये होता है गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अब इसको बैलेंस कर देते हैं, इधर 4 फॉस्फोरस है, इधर भी 4 हो गए, इधर टोटल 5 4 20, यानी इधर 10 Cl2, इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना जरूरी है अगर हम बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो। केमिकल इक्वेशन जो भी हम लिख रहे हैं उनको बैलेंस जरूर करें। ठीक है, सेकंड कौन सा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस क्या होती है। ठीक है, CH4, ओके, नेचुरल गैस होती है CH4। तो अब हमें इसको लिखेंगे CH4, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस है, नेचुरल गैस है, प्लस ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब बर्न तभी होगी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगी, जब कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमेशा CO2 रिलीज करता है। ठीक है, वो बनाना आपको इंपॉर्टेंट है, CO2 बना दिए, अब बाकी बचा हुआ लिख दो, वो वाटर आएगा अपने पास। ठीक है, और प्लस हीट रिलीज हो जाएगी, तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। थर्ड कौन सा आ गया अपने पास, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या, C6H12O6, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये बाद में CO2 रिलीज कर देती है अपनी बॉडी, प्लस वाटर भी प्रोड्यूस होता है और एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O गिव्स 6CO2 + 12H2O + एनर्जी, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है। एक्सप्लेन टू वेज बाय विच फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि रेंसिडिटी क्या है, हमें क्वेश्चन पूछ कह रहा है, ठीक है। तो रेंसिडिटी, ठीक है, हम देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेन टू वेज बाय विच फूड इंडस्ट्रीज रेंसिडिटी यानी स्पॉइलेज ऑफ फूड को प्रिवेंट कैसे करते हैं, इसके कोई टू वेज बताने हैं, ठीक है। तो पहला लिखते हैं अपने, पहला कौन सा होता है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम उनको एंटीऑक्सीडेंट की मदद से स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग, रेंसिडिटी कैन बी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग, टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ज्यादातर फूड वही स्पॉइल होता है जिसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट हो, और उसको बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। अब इसमें पूछा है टू वेज, तो ए पार्ट का आंसर है, इसमें टू वेज कौन से हैं, दूसरा वेज क्या होगा, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। हम उसको नाइट्रोजन गैस में अगर पैक कर दें, जैसे कि चिप्स का पैकेट आता है, फैट और ऑयली होता है वो, उसको नाइट्रोजन गैस में डाल दें ताकि फिर वो स्पॉइलेज से बच जाता है। उसको क्या लिखेंगे, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग, इट कैन प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन, फूड इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट सेकंड का। दूसरे में हमें क्या दिया है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ इन मेटल इंडस्ट्रीज विद 3 पॉइंट्स। हमें क्या बताना है कि डिकम्पोजिशन की इंपॉर्टेंस बतानी है मेटल इंडस्ट्रीज में, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे काम करती है मेटल इंडस्ट्रीज में। तो बी पार्ट का आंसर, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम मेटल। अब जो मोल्टन NaCl होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है, NaCl को डिकम्पोज करके हम सोडियम मेटल गेन करते हैं। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइटिकली, इज इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज, इज इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज टू फॉर्म, डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, ऐसे ही एल्यूमिनियम को हम गेन करते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड, एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, जहां से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बॉक्साइट करते हैं। जब इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम मिलता है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ऑफ बॉक्साइट ओर, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कार्बोनेट ओर्स आर थर्मली डिकम्पोज्ड टू गिव मेटल ऑक्साइड। जो हमारे पास कार्बोनेट ओर्स होते हैं,
कार्बोनेट और होते हैं ना, उनको थर्मली डिकम्पोज कर, कार्बोनेट और वैसे वीक होते हैं, इनको अपने बॉइल कर सकते हैं या डायरेक्ट हीट से इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स आर थर्मली, थर्मल मतलब हीट का यूज हुआ है, आर थर्मली डिकम्पोज्ड, आर थर्मली डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड, टू गिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। विच ऑन रिडक्शन गिव्स मेटल, और जब इस मेटल ऑक्साइड का ये रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन करने पर ये क्या देता है अपने को, मेटल। ओके, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्स विद CO2, हाउ एक्स इज ऑब्टेन, राइट केमिकल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर टेस्टिंग, अब कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी। अब पहले हमें पता लगाना होगा कि एक्स क्या चीज है, और फिर आगे जो केमिकल रिएक्शन है वो भी एक्स से लिखनी पड़ेगी, यानी हमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है क्या नहीं, वो बाद में पता चलेगा जब हमें एक्स पता होगा। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें क्या होगा, सब्सटेंस सब्सटेंस एक्स इज लाइम वाटर, एक्स क्या है यहाँ पे, लाइम वाटर है, ठीक है, एक्स यहाँ पे लाइम वाटर है, विच इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, विच इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, एक्स। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बचा, राइट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन एक्स विद CO2, जब एक्स CO2 के साथ रिएक्ट करता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन, ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिएक्शन क्या होगी जो हमें क्वेश्चन में पूछी है। तो इसमें पहले करेंगे CaOH2 एक्वस प्लस CO2 गैस, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड में होगा, प्लस H2O जो कि किसमें होगा, लिक्विड में। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो मिल्क की सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाता है, मिल्की, मिल्क कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो और हमें बाद में क्या पूछा है, हाउ एक्स इज ऑब्टेन्ड, राइट केमिकल इक्वेशन। अब हमें बताना है कि एक्स कैसे ऑब्टेन होगा। अब एक्स कैसे ऑब्टेन होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, विगरसली यानी बहुत तेजी से हीट के साथ, विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, इससे हमें स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस हो जाता है। स्लैग्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्लैग्ड लाइम होता है, ठीक है। रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अब ये हमें कैसे प्रोड्यूस करो, एक्स कैसे बना सकते हैं, हमारा एक्स क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको कैसे बनाएं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है, इसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, CaO होता है क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लैग लाइम। तो